शिव भक्तों के लिए फरिश्ता बना ये मुस्लिम युवक, क्यों हो रही है इसकी इतनी तारीफ? शिव भक्तों के लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है आशिक अली। 2 अगस्त को शिवरात्रि है और कांवड़ियों का हरिद्वार आना 6 दिन पहले से शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में लोग हरिद्वार गंगा जल लेने के लिए पहुंच रहे हैं। गंगा का बहाव भी पूरे उफान पर है। ऐसे में गंगा जल लेते वक्त कई कांवड़िया मुश्किलों में पड़ जाते हैं और पानी की लहरों में फंस जाते हैं, जिसे देखते हुए SDRF की टीमों को तैनात किया गया है। ऐसी ही एक घटना 23 जुलाई को देखने को मिली। 21 साल का मोनू सिंह गंगा की लहरों में फंस गया, जिसके बाद SDRF का जवान आशिक अली देवदूत बनकर आया और उसे बचा लाया। दरअसल कावड़ घाट पर कावड़ यात्रा के दौरान फरीदाबाद के पीर बाबा मोहल्ला का रहने वाला युवक मोनू सिंह गंगा में स्नान करते समय नदी में तेज बहाव की चपेट में आ गया और डूबने लगा। बारिश की वजह से गंगा की धरती भी पूरे उफान पर थी। मोनू को डूबते देख जैसे ही घाट पर तैनात जवान आशिक अली की उस पर नजर पड़ी तो उसने बिना समय गवाए गंगा में छलांग लगा दी। वहीं उनके साथ तैनात दूसरे SDRF के जवान भी नदी में कूद गए। इसके बाद उन्होंने मोनू को सुरक्षित किनारे पर पहुंचाया। आशिक अली के इस वीरतापूर्ण कार्य की जमकर तारीफ हो रही है। आशिक अली ने कहा कि ये उनका काम है, वो और उनकी टीम सालों से ये करती आ रही है। वो हर साल करीब 40 से 50 कांवड़ियों की जान बचाते हैं। हमें इसकी खास ट्रेनिंग दी गई है। गंगा घाट पर SDRF के 6 जवान तैनात हैं, जो करीब 500 मीटर के एरिया को कवर करते हैं और हर घटना पर नजर रखते हैं। आशिक अली ने बताया कि उन्होंने साल 2012 उत्तराखंड पुलिस ज्वाइन की थी और 2014 में वो SDRF में आ गए। साल 2021 से हर साल कावड़ यात्रा के दौरान उनकी यहाँ ड्यूटी लगती है। बता दें कि अली ने मोनू सिंह के अलावा उधम सिंह, नगर जिले के गोविंद सिंह, 21 साल के संदीप सिंह, दिल्ली और पानीपत निवासी करण और अंकित को भी मौत के मुंह से बाहर निकाला। वहीं सोशल मीडिया पर अली की काफी तारीफ हो रही है। इस खबर को देखकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और डेली न्यूज़ यानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।